Hello guys, I hope you all are doing extremely well. So today here comes a new question, and you can see this question is of physics. So let's get started. Okay, so what is given? A 300 meter long train is moving with a uniform velocity of 90 km per hour. It means the speed of first train is given. First train is 300 meter long, right? So time taken to cross another train of length 700 meter moving with same speed in opposite direction is, so firstly let it be okay, there is a train A and it is of 300 meter length. Another train is there which is 700 meter long. Let it be B train, right? Okay, so क्या गिवन है हमें कि जो दोनों ट्रेन है, ये बी ट्रेन है मान लो और ये ए ट्रेन है, दे बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? और दोनों को टाइम कितना लग रहा है? टी ही लग रहा है, टी इसको भी लग रहा है, टी इसको भी लग रहा है, राइट? सॉरी, दोनों की स्पीड सेम है, यस सॉरी, दोनों की स्पीड सेम है. तो अगर स्पीड सेम होगी तो टाइम भी तो इक्वल होगा ना, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है. तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम इक्वल लगेगा और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको भी टाइम इक्वल लगेगा. समझ में आ रहा है? तो दोनों को टी टाइम ही लगेगा. तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट वाले का. तो वेलोसिटी हमें पहले गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए हमें कितना गिवन है, 90 किलोमीटर पर आवर. क्या हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें? बिल्कुल करेंगे, दैट विल मेक आर कैलकुलेशन मोर इजी, राइट? सो फॉर कैलकुलेटिंग और फॉर कन्वर्टिंग इनटू मीटर पर सेकेंड, वी मल्टीप्लाइड बाय 5/80, सो इट विल कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड. सो हियर कम्स योर वेलोसिटी, 25 मीटर पर सेकेंड. सो अगर ये ट्रेन ए की होगी वेलोसिटी, तो क्या वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी भी हमारी 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, राइट? हमें यहाँ पे डिस्टेंस कवर क्या बोला है कि ये जो ए ट्रेन है वो यहाँ पर 700 मीटर लॉन्ग, ये बी ट्रेन है तो ये 700 मीटर लॉन्ग की होगी, तो ये यहाँ तक इसको कवर करने में कितना टाइम लेगी? सो टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन्स, लेकिन तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि दोनों ही ट्रेन्स इक्वल टाइम इक्वल स्पीड में चल रही हैं, तो बोथ द ट्रेन्स बी लेट बोलते हैं लेट टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन्स बी टी सेकेंड, राइट? दोनों को टी सेकेंड लग रहा है, तो क्या उन दोनों की स्पीड भी, सॉरी स्पीड तो क्या है ना, डिस्टेंस भी हमारा जो है, डिस्टेंस ऑफ बोथ ट्रेन्स हो जाएगा हमारा 25t एंड 25t. ये ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा. ये समझ में आया कैसे? हमारा डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. तो यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ से स्पीड हमारी 25 थी और टाइम हमारा टी था, तो वी हैड कैलकुलेटेड 25t एंड 25t दोनों का हो जाएगा. इज दैट क्लियर नाउ? अब हमें क्या करना है, टोटल लेंथ. अच्छा बताओ इसकी कितनी हो जाएगी टोटल लेंथ? ए ट्रेन को टोटल पाथ कितना कवर करना होगा? पहले उसको 300 खुद का ही कवर करना होगा, फिर उसके बाद वो 700 का कवर करेगी, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 1000 मीटर हो जाएगा. और कितना ये कितना करेगी हमें गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम देखें तो ये 25t, ए का भी डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस, जो कि हमें किसके इक्वल दिया है, दोनों का. इस ये किसका है? ए का डिस्टेंस है, ये ए का डिस्टेंस है, ये बी का है, दोनों का हमें कंबाइन करके इतना दिया हुआ है. सो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे ना, तो टी हमारा आ जाएगा 1000 बाय 50, दैट विल बी 20, टी इज 20 सेकेंड. तो हमें निकालना था टाइम टेकन टू क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 700 मीटर मूविंग विद सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमने वो टाइम निकाल दिया. आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आएगा. सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू सून, टिल देन टेक केयर.